हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल वाइब्रेशन इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स अंदर क्या कौन से फंडामेंटल वाइब्रेशंस होते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर कैसे वाइब्रेशंस शो होते हैं, आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने सभी फ्रेंड्स को इसको शेयर करते रहिए। आइए हम बात करते हैं जो फंडामेंटल वाइब्रेशंस की बात करें तो फंडामेंटल वाइब्रेशन हम लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ रहे हैं। जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो आपके IR रीजन में ऑब्जर्व होती है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रीवियस 2 वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कंडीशंस ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, कौन कौन से पॉइंट अगर हम बात करें, तो हम लोगों ने बात कर लिया है कंडीशंस ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा हमने बात कर चुके हैं हम लोग फीचर्स ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम भी डिस्कस कर लिया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जहाँ पे हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम में अगर हम बात करें हम लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर चुके हैं, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात कर, साथ ही साथ हम लोगों ने ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बात कर चुके हैं कि जहाँ पे फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स क्या होता है और फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं। अगर आपको इन सब टॉपिक्स को पढ़ने हो तो आप हमारे प्रीवियस 2 वीडियोस को देख सकते हैं जहाँ पे ये सब टॉपिक्स आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि आप लोग का कंडीशंस क्या होता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, फीचर्स क्या होते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होते हैं फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। देन आइए आज बात करते हैं कि फंडामेंटल वाइब्रेशंस। अगर हम बात करते हैं कोई मॉलिक्यूल्स है, कोई भी मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होगा भैया, मॉलिक्यूल मिला है मिलकर एटम से मिलकर बना होगा। अब आपको मालूम है एक वर्ड होती है स्ट्रेचिंग, क्या होती है अगर हम बात करें स्ट्रेचिंग, अगर हम बात कर देते हैं किसकी स्ट्रेचिंग की बात करते हैं, स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रेचिंग का मतलब होता है खिंचाव, स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है खिंचाव। तो अब देखिए अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स है हमारा, हम मान लेते हैं हमारा इस टाइप का मॉलिक्यूल है, या हम मान लेते हैं जो हमारा मॉलिक्यूल है इस प्रकार से, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें क्या करना है, स्ट्रेचिंग करनी है, मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें क्या करना है स्ट्रेचिंग करना है। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं तो खिंचाव हम लोग क्या कर सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं इन दोनों मॉलिक्यूल्स के जो इनके मिड सेंटर के अलॉन्ग है, इसके मिड सेंटर या कह सकते हैं मिड पॉइंट के अलॉन्ग है, हम लोग इसको थोड़ा सा इधर स्ट्रेच कर दें थोड़ा सा इस तरह स्ट्रेच कर दें। अब जैसे ही हमने मॉलिक्यूल्स को अब यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, जैसे हमारे पास क्या है ये मिड सेंटर है और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, हमने दोनों मॉलिक्यूल्स को पकड़ा और थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोड़ दिया। वाइब्रेशन करने का मतलब जैसे ही आपने मॉलिक्यूल्स को उनको स्ट्रेच करके छोड़ा तो मॉलिक्यूल्स अब क्या करेंगे वाइब्रेट करने लगेंगे अपने मिड पॉइंट के अलोंग, अपने मिड एक्सिस के अलोंग। तो अब वाइब्रेशन क्या होना चाहिए मॉलिक्यूल्स के अंदर इस प्रकार का वाइब्रेशन होने लगेगा। अब देखिए जो वाइब्रेशन होता है जहाँ पे स्ट्रेचिंग होती है वो स्ट्रेचिंग आपकी दो प्रकार की हो सकती है, आप मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होते हैं जो स्ट्रेचिंग होते हैं या उनको इलांगेट कर दीजिए, उनको क्या कर दीजिए आप इलांगेट कर दीजिए बाहर की तरफ खींच लीजिए, या उनको कंप्रेस कर दीजिए अंदर की तरफ कंप्रेस कर दीजिए। हाँ तो स्ट्रेचिंग भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं कि अगर हम मॉलिक्यूल्स को क्या कर दें कंप्रेस कर दें, कंप्रेस कर दें कहने का मतलब हमने मॉलिक्यूल अगर एग्जांपल जनरल एग्जांपल की बात करें, अगर आप लोगों के पास स्प्रिंग आती है, क्या आती है स्प्रिंग, आप लोग स्प्रिंग आती है तो हाथों में स्प्रिंग लेने के बाद क्या होता है एक ह्यूमन नेचर होता है, हम लोग स्प्रिंग लेने के बाद स्प्रिंग को क्या करते हैं थोड़ा सा खींच के छोड़ देते हैं। जैसे ही हम लोग स्प्रिंग को छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग क्या करता है अपने मिड पॉइंट के अलॉन्ग क्या करता है वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है, मिड पॉइंट के अलॉन्ग क्या करने लगता है वाइब्रेशन स्टार्ट करने लगता है, या हम लोग स्प्रिंग को क्या करते हैं कंप्रेस कर देते हैं। स्प्रिंग को जैसे ही कंप्रेस करेंगे जब वो अपने मिनिमम डिस्टेंस पे आएगा उसके बाद हम उसको जैसे ही रिलीज करेंगे तो वाइब्रेशंस क्या होगा अंदर से वो बाहर की तरफ आएगा, और फिर अंदर बाहर करते वक्त कुछ समय के बाद वो अपने कह सकते हैं रेगुलर शेप में वो एडजस्ट हो जाएगा, समझ में आई बात। अब इसे कहते हैं वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस करने का मतलब मॉलिक्यूल्स के एटम्स के अंदर या मॉलिक्यूल्स के अंदर जो प्रकार की वाइब्रेशंस होते हैं और वो उसे हम क्या करते हैं उसमें हम फंडा हम लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल वाइब्रेशन पढ़ कि मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने प्रकार के वाइब्रेशंस पाए जाते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने प्रकार के वाइब्रेशंस पाए जाते हैं तो आप देख सकते हैं जो मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर हम जनरली बात करें दो प्रकार के वाइब्रेशंस आपके पाए जाते हैं, जिसमें अगर हम बात करें फर्स्ट आपकी होती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, फर्स्ट क्या होती है आपकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, ठीक है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस क्या होती है ये आपका फर्स्ट होता है। सेकंड अगर हम बात करें जो वाइब्रेशंस होता है वो आपका बेंडिंग वाइब्रेशन होता है, वो क्या होता है बेंडिंग वाइब्रेशन। अब आइए बात करते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस क्या होता है,
और बेंडिंग वाइब्रेशन क्या होते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में हमने जैसे अभी बताया, हम मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, स्ट्रेच करके छोड़ देते हैं। जैसे या मॉलिक्यूल को क्या कर दें, इलांगेट कर दें, या मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कर दें, कंप्रेस कर दें। एक बार फिर समझते हैं, ये देखिए ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, हम इसको क्या कर दें, इलांगेट कर दें, इसको क्या कर दें, इलांगेट करके छोड़ दें, या हमारे पास जो मॉलिक्यूल है हम उसको क्या कर दें, कंप्रेस कर दें। ये देखिए कंप्रेस करने का मतलब हम लोग का मूवमेंट क्या, टुवर्ड द मिड पॉइंट, और ये क्या है, अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इलांगेट किया, यहाँ पे क्या किया, कंप्रेस किया। बेंडिंग वाइब्रेशन में बात करें, बेंडिंग वाइब्रेशन में हमारा मॉलिक्यूल्स किसके फॉर्म में होता है, बेंड शेप में होता है। किस प्रकार होता है, बेंड शेप। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कर सकते हैं, या अपोजिट डायरेक्शन में इनको क्या कर दें, मूवमेंट कर दें। जैसे हमारा मॉलिक्यूल इस टाइप्स का है, मॉलिक्यूल इस टाइप्स का है, हमने क्या किया, मॉलिक्यूल्स के इस पॉइंट को और मॉलिक्यूल्स के इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को पकड़ के हमने क्या कर दिया, एक मिनिमम पोजीशन तक लेके आया, मिनिमम पोजीशन तक लेके आया, और वहां से हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब देखिए जब अगर हम बात करते हैं, ये हमारा हाथ इस प्रकार है, हमने क्या कर, मिनिमम डिस्टेंस। अब जैसे छोड़ेंगे तो ये देखिए हमारा हाथ क्या, एक वाइब्रेशन को क्या करने लगा, शो करेगा। या हम क्या कर सकते, अपने हाथ को एकदम मैक्सिमम पोजीशन तक लेके जाए, उसके बाद छोड़ दे, तो हमारा हाथ इस प्रकार करेगा वाइब्रेशन। उसी प्रकार आप देख सकते हैं ये हमारा क्या होता है, बेंडिंग, बेंड फॉर्म में अगर वाइब्रेशन तो करता है, उसे हम क्या करते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है, वो आपका टू प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के, जिसमें आपका फर्स्ट होता है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। फर्स्ट क्या होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सेकेंड होता है आपका अनसिमेट्रिकल, या कह सकते हैं एसिमेट्रिकल। सेकेंड क्या होता है, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। ठीक है, यहाँ पे अगर जब हम लोग स्ट्रेचिंग क्या करते हैं, सिमेट्रिकल डायरेक्शन में करते हैं, इसे अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग क्या होती है, जब हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग अनसिमेट्रिकल डायरेक्शन, कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, उसे ही हम क्या करते हैं, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। अगर हम बात करते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन, जो बेंडिंग वाइब्रेशन होते हैं वो आपके फोर टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, फोर प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला आपकी जो होती है सिसरिंग होती है, क्या होती है, सिसरिंग वाइब्रेशन होती है। ठीक है, सेकेंड आपका क्या होता है, रॉकिंग होता है। क्या होता है, रॉकिंग वाइब्रेशन। अगर हम थर्ड बात करें, थर्ड आपका क्या होता है, वैगिंग वाइब्रेशन। क्या होता है, वैगिंग वाइब्रेशन। और लास्ट और फोर्थ हम बात करें, ये आपका क्या होता है, ट्विस्टिंग। ये क्या होता है, ट्विस्टिंग होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो बेंडिंग वाइब्रेशन होता है वो आपके चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सिसरिंग होती है, रॉकिंग होती है, वैगिंग होती है, और ट्विस्टिंग होती है। अगर सिमेट्रिकल वाइब्रेशन की बात करें वो आपका क्या होता है, सॉरी अगर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात करें वो आपके टू टाइप्स के होते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। आइए अब हम इसको वन बाई वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या होते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बात करें कि इन दिस टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन द Atoms vibrate along the nuclear axis and bond angle remains same. The stretching vibrations are of always two types. यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हमने क्या लिखा कि in these types of vibrations, the atoms vibrate along the nuclear axis. जैसा हमने बात किया कि जो एटम्स होते हैं वो आपके न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या हम लोग कर रहे हैं। जैसे हमने बात किया न्यूक्लियर एक्सिस, यहाँ पे देखिए एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर हम कभी भी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर हम बात करते हैं किसका, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसके बाद आपकी अगर हम रोटेशनल किसकी बात करते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। जो भी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, क्या होता है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो आपके किसके होता है, न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है। यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूक्लियर एक्सिस करने का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं मिड पॉइंट। यहाँ पे क्या करता है, मिड पॉइंट आपका वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ से आपका क्या होता है, इक्विलिब्रियम, क्या, इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। जहाँ से आपका क्या होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। तो आप कह सकते हैं जब भी हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, वाइब्रेशन यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करते हैं, जिसके अलॉन्ग आपका वाइब्रेशन क्या होता है, होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रोटेशन का। किसकी बात करते हैं, रोटेशन की। मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होते हैं, अपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग किस प्रकार का रोटेशन को वो परफॉर्म करते हैं, और जब वो रोटेशन को परफॉर्म करते हैं तो वहाँ से कैसे स्पेक्ट्रा हमारे जनरेट होते हैं, कैसे स्पेक्ट्रा हमको मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रोटेशन, यहाँ पे किसका रोटेशन होता है अलॉन्ग द न्यूक्लियर एक्सिस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एक्सिस होती है, यहाँ पे एक्सिस न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग आपका क्या होता है, रोटेशन होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आपको बताया था जब रिजिड रोटर पढ़ाया है, तो वहाँ पे हमने
आपको बताया कि यहाँ पे जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता है वहाँ पे अराउंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अराउंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका क्या होता है, एंगुलर मोशन परफॉर्म करता है कोई भी बॉडी सर्कुलर फॉर्म में जब रोटेट करता है। कि आप जानते ही बेसिक्स डिफरेंस होते हैं आपका वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब भी हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे तो यहाँ पे मिड पॉइंट और इक्विलिब्रियम का जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो वाइब्रेशन होगा वो हमारा क्या होगा उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन से मॉलिक्यूल्स क्या होगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक लॉन्गेट होगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक क्या होगा कंप्रेस होगा। ठीक है, आइए यहाँ पे अपने पॉइंट्स पे आते हैं। जैसे हमने क्या बात किया कि जो इसका क्या होता है, जो हमारा स्ट्रेचिंग होता है इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन द एटम वाइब्रेट्स अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस। अगर ये देखिए ये हमारा क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, न्यूक्लियर एक्सिस हो गया, तो इसी के अलोंग हमारा क्या होगा एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे यहाँ पे वाइब्रेशन को शो करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल रिमेन से, जब ये देखिए अगर हम बात करते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग यहाँ पे मोशन हो रहा है तो यहाँ पे हम स्ट्रेचिंग करेंगे या हम इलांगेशन करेंगे या फिर हम क्या करेंगे कंप्रेस करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे आपकी जो अगर मान लेते हैं ये जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल हमारा एक्स रहता है, क्या जो हमारा बॉन्ड एंगल एक्स है तो ये कंप्लीट हम जब लोग स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा कोई भी मॉलिक्यूल तो ये बॉन्ड एंगल हम कर सकते हैं, जो बॉन्ड एंगल आपका एक्स होगा उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा, आपका जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो रिमेंस कॉन्स्टेंट बना रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस होने वाला नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अब यहाँ पे बात करते हैं, जो आपके टू टाइप्स होते हैं। पहला आपके जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है उसमें हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, और दूसरा हम बात करेंगे अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में तो यहाँ पे अब मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन टू एटम्स मूव आइदर टुवर्ड द सेंट्रल एटम और अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं ये देखिए ये हमारा मॉलिक्यूल है, ये हमारा क्या है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल्स के एटम्स का ये अरेंजमेंट है, हाँ मॉलिक्यूल्स के एटम्स का क्या है अरेंजमेंट है। अब हमने बात किया कि इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशंस टू एटम्स मूव आइदर टुवर्ड द सेंट्रल एटम, या इसे हम क्या माने सेंट्रल एटम ये हमारा क्या कर सकता है टुवर्ड द मिड सेंटर के अलोंग, या कर सकते हैं अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर एक्सिस मूव करे, या फिर आप कर सकते हैं टुवर्ड द न्यूक्लियर एक्सिस मूव करे। अब ये देखिए अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग हो रही है मॉलिक्यूल्स की, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रेचिंग हो रही है मॉलिक्यूल्स के एटम्स की, यहाँ पे किसकी बात हुई, ये तो पूरा हमारा मान लेते हैं ये हमारा पूरा मॉलिक्यूल्स हो गया, ये हमारा क्या है पूरा मॉलिक्यूल्स हो गया, मॉलिक्यूल्स मिलकर किसी मिलकर बनाया हुआ एटम्स का, तो ये हमारा मान लेते हैं ये ए बी टू टाइप्स का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ए हमारा सेंट्रल एटम है और बी हमारा क्या है साइड एटम है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए अगर आप बी को हमने क्या किया, ए को हमने सेंट्रल एटम एज्यूम किया और बी को दोनों पॉइंट्स को हमारे साइड एटम, और दोनों बी पॉइंट को हमने क्या कर दिया स्ट्रेचिंग करना शुरू। अब जैसे ही हम लोगों ने क्या किया स्ट्रेचिंग किया तो आप देख सकते हैं ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, क्योंकि सिमेट्रिकल इसलिए है क्योंकि जो ऑपरेशंस हम कर सकते हैं जो ऑपरेशंस हम राइट साइड में करें सेम ऑपरेशन हमने लेफ्ट साइड में किया, कर सकते हैं दोनों तरफ एक प्रकार से कर सकते हैं हमने क्या किया खिंचाव किया, तो दोनों क्या सिमेट्रिकल हुआ अनसिमेट्रिकल यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो दोनों में हमने क्या किया कंप्रेशन किया, दोनों मॉलिक्यूल्स हमने क्या कर दिया कंप्रेशन किया, तो ऑपरेशन भी सेम हुआ, हमने क्या किया अंदर की तरफ फोर्स लगाया, दोनों की तरफ क्या किया अंदर की तरफ फोर्स लगाया, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलांगेशन, इसे हम लोग क्या कहते हैं इलांगेशन। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है इलांगेशन हो रहा है, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है कंप्रेशन हो रहा है। तो कह सकते हैं जब कभी भी हमारा क्या हो इलांगेशन हो या फिर कंप्रेशन हो दोनों साथ ही साथ हो, दोनों साइड हम लोग साथ में इलांगेशन करेंगे और दोनों तरफ हम लोग साथ में ही कंप्रेशन करेंगे, दिन हमारा क्या होगा सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या होते हैं। अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ये होते हैं कि जब यही वर्क हम लोग क्या करें अपोजिट डायरेक्शन में करना शुरू कर दें, अपोजिट डायरेक्शन करने मतलब एक तरफ हमने क्या कर दिया स्ट्रेचिंग दिया, दूसरी तरफ हमने क्या कर दिया कंप्रेशन कर दिया, यहाँ पे क्या किया स्ट्रेचिंग किया, यहाँ पे इलांगेशन कर दिया, क्या किया यहाँ पे इलांगेशन किया, और यहाँ पे क्या कर दिया कंप्रेशन कर दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया कंप्रेशन। देखिए दोनों वर्क अपोजिट है कि नहीं है, अपोजिट इसलिए है यह हमारा मिड सेंटर है, ये हमारा क्या है मिड सेंटर है, ये मिड सेंटर से अवे जा रहा है, ये मिड सेंटर से कहाँ जा रहा है अवे जा रहा है, और ये क्या है मिड सेंटर तरफ की तरफ जा रहा है, तो कह सकते हैं ये क्या हो जा रहा है टूवर्ड्स जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है टूवर्ड्स मिड सेंटर, ये अवे फ्रॉम द मिड सेंटर। तो यहाँ पे क्या सिमेट्रिकल प्रोसेस हो रहा है, नहीं यहाँ पे कैसा हो गया अनसिमेट्रिकल प्रोसेस हो गया, या हम कह सकते हैं ये देखिए ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे अगर हम क्या कर दें इसको टूवर्ड्स लेके जाए, इसको हम क्या जाए
टूवर्ड्स लेके जाए और इसको कहाँ लेके जाए, अवे लेके जाए। यहाँ पे इसको क्या कर दिया, अवे लेके जाए। तो क्या अब यहाँ पे प्रोसेस देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि एक टूवर्ड्स द मिड पॉइंट जा रहा है, एक अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट जा रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल, या इसे कहेंगे एसिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, या कहेंगे असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो क्या लिखे, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या होते हैं, इन दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन वन एटम्स कह सकते हैं मूव टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम, एक एटम क्या मूव टुवर्ड्स हमारा सेंट्रल एटम एंड अनदर एटम्स मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, और जो दूसरा एटम होगा, जो हमारा दूसरा एटम होगा वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम जाएगा। तो अगर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में क्या बेसिक डिफरेंस है, जब हम लोग ऑपरेशन सेम टाइप्स का करेंगे, दोनों तरफ इलांगेशन ही करें, देन हमारा क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। अब जब हम लोग अपोजिट ऑपरेशन करते हैं, एक को कंप्रेस करें तो दूसरे को क्या करें, इलांगेट करें, अपोजिट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो अनसिमेट्रिकल वाइब्रेशन, और सेम ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन क्या होते हैं। बेंडिंग वाइब्रेशन की बात करें, इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन द बॉन्ड एंगल चेंजेस एंड डायपोल मोमेंट आल्सो चेंजेस। बेंडिंग वाइब्रेशन आर ऑफ फोर टाइप। अगर हम बात करें जो बेंडिंग वाइब्रेशन होते हैं, इसमें क्या होता है, बॉन्ड एंगल चेंजेस एंड डायपोल मोमेंट आल्सो चेंजेस। अगर हम लोग बात करते हैं किस स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में, इसमें आप देखते थे जो हमारा बॉन्ड एंगल्स चेंज नहीं होता था, लेकिन अगर हम बात करें बेंडिंग वाइब्रेशंस में हमारा बॉन्ड एंगल्स चेंज होगा। जैसे अगर हम बात कर देते हैं यहाँ पे समझने के लिए, जैसे हमने स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में ये बात किया था कि देखिए यही स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होता है, यहाँ पे जो हमने बॉन्ड एंगल अप्लाई किया था एक्स था, तो हमने पूरे ऑपरेशन के दौरान इस बॉन्ड एंगल में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो बेंडिंग वाइब्रेशंस होता है, आप यहाँ पे देखिए इस टाइप के मॉलिक्यूल हमारा बेंडिंग वाइब्रेशन शो कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स में हम लोग क्या करें, इन मॉलिक्यूल को अप गए, जैसे ये मॉलिक्यूल अप जाएंगे, अगर ये बॉन्ड एंगल आप देख रहे हैं एक्स, यहाँ पे देख रहे हैं बॉन्ड एंगल एक्स, ये मॉलिक्यूल जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या यहाँ पे आप देखिए बॉन्ड एंगल चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ। यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे हमको एक्स डैश मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, या इन मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या करें, कंप्रेस कर दें, देन आप देखें यहाँ पे भी एक्स डैश मिलेगा या एक्स डबल डैश कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर मॉलिक्यूल्स हमारा इस पोजिशन में था, जब हमने इसको क्या कर दिया, इलांगेट किया, या इसे अप डायरेक्शन में क्या कर दिया, मूवमेंट किया, जैसे अप डायरेक्शन किया इसके बॉन्ड एंगल में चेंजेस आए कि नहीं, और जब बॉन्ड एंगल में चेंज आएगा तो हमारा जाहिर सी बात है डायपोल मूवमेंट भी हमारा क्या हुआ, चेंज होगा। तो कह सकते हैं जो बेंडिंग वाइब्रेशन होता है, जो भी बेंडिंग वाइब्रेशन होता है उसमें हमारे बॉन्ड एंगल्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जब बॉन्ड एंगल्स चेंज होंगे हमारे जो डायपोल मूवमेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अगर हम बेंडिंग वाइब्रेशन की बात करें तो बेंडिंग वाइब्रेशन हमारे चार प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, सेसरिंग होता है, दूसरा आपका रॉकिंग होता है, थर्ड बात करते हैं रैगिंग होती है, और फोर्थ क्या होती है, ट्विस्टिंग होती है। अगर हम बात करें सेसरिंग क्या होती है, सेसरिंग बात करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन टू एटम्स मूव अप्रोचेस ईच अदर दैट इज मूविंग अपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को तरफ अप्रोच करते हैं, वो एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। जाहिर सी बात है जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे वो क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ये ही बात करें, ये देखिए ये मॉलिक्यूल्स, अगर ये मॉलिक्यूल हमारा क्या क्लॉक वाइज रोटेशन शो करें, कैसा, क्लॉक वाइज रोटेशन, और ये मॉलिक्यूल हमारा क्या है, एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन शो करे। ये मॉलिक्यूल हमारा क्या करे, क्लॉक वाइज ये आइटम, और ये आइटम क्या करे, एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन शो करे। देख हम कर सकते हैं ये हमारा क्या है, सेसरिंग है, ये हमारा क्या है, सेसरिंग है। तो सेसरिंग में क्या होता है, हमारा जो मॉलिक्यूल्स के एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट को शो करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट को हमारे क्या कर सकते हैं, शो करते हैं। अगर ये क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉक वाइज। अब जाहिर सी बात है जब दोनों बॉडी आपस में क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या वो एक दूसरे के क्या करेंगे, पास आएंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे। रॉकेट में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो हमारे सेम डायरेक्शन मूव करते हैं, कहने का मतलब अगर एक एटम हमारा क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा एटम भी हमारा क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन को शो करेगा। अगर दूसरा एटम हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करे तो पहला एटम भी हमारा कहाँ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करेगा। जैसे अगर हम बात करें ये देखिए ये हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी एटम हमारा कहाँ जाएगा, एंटी क्लॉक में जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें यह एटम अगर हम बात करें, अगर ये एटम हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर रहा है देन यह भी एटम हमारा क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन को शो करेगा। ये आप देख सकते हैं कि जो बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं हमारे रॉकिंग और सेसरिंग में, सेसरिंग में क्या होते हैं, दोनों एटम्स हमारे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, अगर एक क्लॉकवाइज जाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉक जाएगा, अगर दूसरा क्लॉकवाइज जाएगा तो पहला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। रॉकिंग में क्या होता है, दोनों एटम्स हमारे क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन मूव करते हैं, अगर फर्स्ट एटम क्लॉकवाइज जाएगा तो सेकंड एटम भी हमारा क्या जाएगा, क्लॉकवाइज भी जाएगा, अगर एंटी क्लॉक जाएगा तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में दूसरा एटम भी हमारा मूव करेगा। अब देखिए ये जो होते हैं हमारा
फर्स्ट टू वाइब्रेशन जो होते हैं, जो फर्स्ट टू वाइब्रेशन होते हैं, चाहे सिसरिंग और रॉकिंग की बात करें, ये हमारा इन प्लेन वाइब्रेशन होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे इन प्लेन वाइब्रेशन का होते हैं। तो हम कह सकते हैं सिसरिंग एंड रॉकिंग वाइब्रेशन आर आल्सो नोन एज इन प्लेन वाइब्रेशन। इन प्लेन वाइब्रेशन को कहते हैं, ये जो वाइब्रेशन होते हैं वो हमारे प्लेन में होते हैं। ये वाइब्रेशन हमारे क्या होते हैं, प्लेन में होते हैं। बाकी जो अदर हमारे दो वाइब्रेशन हैं, वेगिंग और ट्विस्टिंग, ये हमारे आउट प्लेन वाइब्रेशन हैं। ये हमारे क्या है, आउट प्लेन वाइब्रेशन कर सकते हैं। ये डायरेक्शन वाइब्रेशन हमारे क्या होते हैं, प्लेन में हो सकता है, इसलिए इसे हम प्लेन वाइब्रेशन करते हैं, इन प्लेन वाइब्रेशन करते हैं। और ये हमारा क्या होता है, प्लेन परफॉर्म नहीं होता, इसलिए हम इसे आउट प्लेन वाइब्रेशन करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, वैगिंग और ट्विस्टिंग। इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन टू एटम्स मूव साइमल्टेनियसली अप एंड डाउन विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर एक्सिस। यहाँ पे देखिए, अभी तक हमने क्या किया, प्लेन के एक और डायरेक्शन में हमने इनको क्या किया, अप और डाउन हमने इनको क्या कर दिया था, एक दूसरे के अप्रोसेस में एक दूसरे के पास लेके आए। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन दोनों प्रोसेस में हमारा क्या है, सारी प्रक्रियाएं अलग हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने क्या कहा, वेगिंग में जो एटम्स होते हैं वो मूव करते हैं साइमल्टेनियसली अप एंड डाउन। कहने का मतलब, अगर ये एटम हमारा अप जाएगा, ये अभी एटम हमारा क्या आ जाएगा, अप ही जाएगा। तो दोनों एटम, ये देखिए दोनों एटम क्या करें, अप डायरेक्शन में मूव किए, फिर डाउन। हाँ, अगर डाउन जाएंगे तो दोनों डाउन में जाएंगे, दोनों अप गए तो दोनों अप ही गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डायरेक्शन क्या है, या दोनों अप जाएंगे तो अप, यहाँ पे डाउन जाएंगे तो डाउन। इसलिए इसको क्या करते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। वैगिंग वाइब्रेशन क्या होते हैं, एटम्स हमारे सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, या अप जाएंगे तो अप ही जाएंगे, डाउन जाएंगे तो। अब देखिए, साइमल्टेनियस कहने का मतलब, एक निश्चित हाइट पे जाने के बाद वो फिर क्या होंगे, नीचे। कहने का मतलब, इस प्रकार से वो क्या करेंगे, रोटेशन को परफॉर्म करेंगे। हाई पे गए, फिर डाउन आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे। इस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पे वैगिंग में होती रहती है। नेक्स्ट और लास्ट हम बात करें ट्विस्टिंग। यहाँ पे क्या होती है, जो ट्विस्टिंग वाइब्रेशन होते हैं, वहाँ अगर एक आइटम अप जाएगा तो दूसरा आइटम क्या जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। अब देखिए, यही हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर एक आइटम ऐसे गया, अप गया, दूसरा का क्या गया, डाउन गया, फिर ये आइटम ऐसे गया, फिर आइटम ये देखिए, ये अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं। ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन ऊपर गया, ये नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे। यहाँ पे जो मोमेंट होता है वो कह सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। वैगिंग में हमारा क्या होता है, ट्विस्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे मूवमेंट हमारा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये ऊपर गया तो दूसरी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अगर ये नीचे जाएगा तो ये हमारा कहाँ जाएगा, ये ऊपर की दिशा में जाएगा। ये होता है हमारा ट्विस्टिंग। इसी वजह से ये हमारा जो वैगिंग और ट्विस्टिंग होता है, वैगिंग और ट्विस्टिंग, इसी को हम क्या कहते हैं, आउट प्लेन वाइब्रेशन। इसे हम क्या कहते हैं, आउट प्लेन वाइब्रेशन। ये हमारा वाइब्रेशन क्या होता है, आउट प्लेन में होता है। ये इसलिए इसे क्या करते हैं, आउट प्लेन वाइब्रेशन करते हैं। और जो सिसरिंग और रॉकिंग होता है, इसे इन प्लेन वाइब्रेशन करते हैं। आइए एक बार फिर से समझते हैं, क्या होता है रॉकिंग, सिसरिंग और वैगिंग ट्विस्टिंग। रॉकिंग में क्या होता है, हमारे जो एटम होते हैं, ये क्या होते हैं, सिमेट्रिकल डायरेक्शन में कहते हैं, क्या होते हैं, सिमेट्रिकल डायरेक्शन में स्ट्रेच किए जाते हैं। या उसमें अगर हम इलांगेट करेंगे तो इलांगेट ही करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस ही करेंगे। सिसरिंग में क्या होता है, ये आपका ट्विस्टिंग, उसके बाद हमारा होता है रॉकिंग। रॉकिंग क्या होता है, अगर एक एटम्स को इलांगेट करेंगे तो दूसरे एटम को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। अगर पहले एटम को इलांगेट करेंगे तो दूसरे एटम को कंप्रेस, मतलब यहाँ पे हम लोग अपोजिट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट बात करें वैगिंग। वैगिंग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइमल्टेनियसली अप एंड डाउन, मतलब अगर एटम अप जाएगा तो अप ही जाएगा, डाउन जाएगा तो, मतलब एक दूसरे के साइमल्टेनियसली प्रक्रिया यहाँ पे होती रहेगी। ऊपर जाएंगे फिर नीचे, फिर ऊपर जाएंगे फिर नीचे, फिर ऊपर जाएंगे नीचे। इस प्रकार आपका क्या होता है, वैगिंग में होता है। नेक्स्ट अगर लास्ट बात कर देते हैं, जो ट्विस्टिंग होता है, ट्विस्टिंग में आपका क्या होता है, एक आइटम अप जाएगा, दूसरा डाउन जाएगा, फिर अप एंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इस प्रकार से यहाँ पर प्रक्रियाएं होती रहती हैं, इसमें ट्विस्टिंग में होता है। इसी के साथ हमारा जो बेंडिंग फंडामेंटल वाइब्रेशन इन पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स का होता है, समाप्त होता है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद है अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।